तो अभी अपन गाड़ी अपनी खड़ी कर दिए हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं डाउनटाउन, डाउनटाउन में सेंट्रल आइलैंड यानी कि एक बहुत अच्छा सा आइलैंड है, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितना व्यू आता है, वहाँ सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अरे हैप्पी टू गो देयर, भाई भी अपना रेडी, भाई भी एक्साइटेड है जाने के लिए, मैं भी। चलो पहले टिकट लेते हैं। जैक लेटॉन फेरी टर्मिनल, यहाँ पे अभी आ रही है फेरी। अंदर से दिखाऊँ तो ये देखो बंदे इसमें आ रहे होंगे, सामने लोग खड़े हैं अपना। सोमी भाई बता रहा है कि जैसे ही वो गेट ओपन होगा कैसे हमें पुश करना है। क्या ना सोमी कह रहा था कि जितना हो सके ऐसे हाथ से सबको पुश करके एकदम मेन पोजीशन पे पहुंच जाना है। अभी हम सेंट्रल आइलैंड जा रहे हैं, वो दो पीछे आइलैंड है, यहाँ मेरा दोस्त बैठा हुआ है, सारे लोग ऐसे ही हैं। टिकट लेके अपना चलते हैं, बड़ी सी फेरी है, सारे एक साथ चलेंगे। देखो सेंट्रल आइलैंड वाली फेरी है ये, पहले जाके अच्छा स्पॉट पकड़ लेना है, जाके एकदम फ्रंट का प्लेस लेना है ताकि एंजॉयमेंट पूरा हो पाए। तो फाइनली हम बैठ गए हैं अपना आराम से, देखो पीछे पूरे लोग बैठे हैं। VLOG है, अपने सारे भाई लोग जो जा रहे हैं। अपना गुरजोत भाई मिल गया था अभी, अपने एक न्यू सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। भाई भी फैमिली में ऐड है, थैंक यू भाई। चलो आपके बाकी और सारी चीज़ दिखाता हूँ आपको। दूसरा भाई कहाँ है अपना, यो हाउ आर यू, गुड यार। दूसरा अपना भाई, हाँ आई एम टॉकिंग हिंदी। सो अभी एक अपने भाई वहाँ पे जुड़ गए हैं सब्सक्राइबर, उनका नाम है गुरजोत, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत हैप्पी भी हूँ। मैंने पूछा ब्लॉग कौन सा है, वॉच दिस साइड या अभी देखो इसका व्यू अच्छा आ रहा है, सो दैट यू कैन सी यू विल लुक गुड इन दिस एंड देन व्यू, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वॉच हियर। और ऐसे पूरा सारे लोग हैं यहाँ पे, ये तो अपने स्टेज जा रहा है, ये देखो ये सीन पूरा ऐसा है जैसे वो आइलैंड में जाते हैं ना मूवी वूवी में देखते हो गए रॉकी। अभी साउंड डाल दोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, देखो ये प्राइवेट टैक्सीज हैं, पहुंचने वाले हैं आइलैंड पे, ये सेंट्रल आइलैंड। देखो वहाँ पे भी लोग हैं, खेलते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन है, ये मिडिल ऑफ द डाउनटाउन है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये पेड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो अच्छे से देखो आप समझ जाओगे फुल व्यू में। और भाई अपना यहाँ निकाल दिया, बाकी सारे लोग नीचे चलेंगे, अब जा रहे हैं अपने सारे लोग। भाई भी चलो आप, काफ़ी लोग हैं, फाइनली सेंट्रल आइलैंड हम आ गए हैं, और यह है एंट्रेंस, और इसके अलावा अपना है भाई है यहाँ, यहाँ का माहौल ही अलग है। अच्छा वैसे यहाँ पे देखो सब्वे भी है, खाने पीने का ऑप्शन है, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैप है साइड में, ये देखो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, मैं वैसे यहाँ पे आ चुका हूँ लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्लेस है ये, यहाँ कितनी बार भी आओ हमेशा मज़ा ही आएगा तुम्हें, बहुत अच्छा प्लेस है। अब आप दिखाता हूँ कि लोग कहाँ कहाँ इंजॉय करते हैं, यहाँ से पहले अपन चलेंगे उस साइड, ये देखो कितना प्यारा है, ये पानी देखो कितना शांत है, क्लीन भी है। भाई लोग सभी लोग अपना शूट कर रहे हैं कैमरे से, व्यू का मज़े ले रहे हैं, ये कितना प्यारा व्यू है, इधर देखो पेड़, स्प्रिंकलर अच्छा लग रहा है। भाई भी अपना शूट कर रहा है, ये तो मेमोरी बनाना जरूरी है, ये तो इधर भी वाटर उधर भी पानी, ऐसे ही बना रखे हैं इनको। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन द मूवी एंड आई एम द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर विच इज विलेन। आओ आपको थोड़ा ना जो नदी इधर से होके जाती है, कह लो तालाब या जो भी कह लो, उसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखो कितना प्यारा है। गो 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 मोर वाइज केयर। ये है व्यू जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कितना प्यारा है। आई एम कमिंग वन मिनट। ये देखो लोग सन बात भी लेते हैं, तो यहाँ पे लोग अपना आते हैं, एंजॉय करते हैं। ओ, 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 ओ। काफी ज्यादा शांत है, आराम से एंजॉय करो, रिलैक्स हो जाओ, सन बात करो। ओवरऑल यहाँ पे आने का मजा ही अलग है, आपको सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा। पीछे देखो स्प्रिंकलर लगा है, पानी वानी रहता है, सब कुछ ग्रीनरी दिखेगा। और यहाँ वैसे एक बार बता दूँ, यहाँ पे न्यूड बीच भी है, यानी कि वहाँ पे लोग जाते हैं कुछ भी कपड़े नहीं पहनते हैं। तो वहाँ पे अभी मैं ऐसे सूट वूट कर नहीं सकता, बट हाँ जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वो कहते हैं ना अटायर फॉलो करना पड़ेगा, वो अटायर यही है कि आपको जब वहाँ जाना है तो बिना कपड़े के जाना होगा। यहाँ पे देखो सब अपना एंजॉय करते हैं, बियर वगैरह भी मिलता है, जो दारू पीने वाले हैं वो आराम से आके एंजॉय कर सकते हैं, जो नहीं है मेरी तरह सोबर वो अपना नेचर को देखते हुए एंजॉय करें। बीच पे आते हैं, यहाँ पूरा ऐसे पूरा बीच है, और यहाँ पे स्टोन्स लगा रखे हैं ताकि वेव यहाँ पे नुकसान ना पहुँचाए। इस वजह से लोग मोस्टली बच्चों के साथ आते हैं, वो देखो बच्चा खेल रहा है, बेबी अपना घर बनाएगा, जो भी चीज़ बनाना है वहाँ बनाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। फिर यहाँ पे बटन सिस्टम भी रहता है जहाँ पे अपना पैर धो लेते हैं लोग सैंड से आने के बाद, फुल इंजॉयमेंट होता है। ओके लेट्स गो। आते हैं एंजॉय करने अपना, ये मरीन बीच टाइप का है। ये देखो यहाँ से लोग अपना आते जाते हैं, कबूतर वबूतर रहेगा पानी में, ऐसे ही वहाँ तक जाना है, वहाँ से आ जाना है। ये इधर से पूरा सीन, ये देखो कैसा माहौल है इधर, ये हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, इनको कुछ देंगे तो सीधे सीधे खा जाएंगे हाथ से डायरेक्ट लेके। सो योर हैंड ऑन द टॉप बेबी, दे विल कम। Yeah, okay. Go, go. Why is scared? They will come. Wait for 2 minutes. Oh, it's coming. Move your hand on top. Yeah. Okay, okay. मैं कहा भाई को हाथ ऊपर करके देख, क्या पता आ जाए, तो नहीं आ रहे हैं, बस ताक में कुछ मिल जाए इनको हवा में ही उड़ा लेंगे। एकदम नाच रहे हैं बे। ये देखो कैसा माहौल है इधर, ये हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, इनको कुछ देंगे तो सीधे सीधे खा जाएंगे हाथ से डायरेक्ट लेके। सो योर हैंड ऑन द टॉप बेबी, दे विल कम। Yeah, okay. Go, go. Why is scared? They will come. Wait for 2 minutes. Oh, it's coming. Move your hand on top. Yeah. Okay, okay. मैं कहा भाई को हाथ ऊपर करके देख, क्या पता आ जाए, तो नहीं आ रहे हैं, बस ताक में कुछ मिल जाए इनको हवा में ही उड़ा लेंगे। यहाँ ऐसा पूरा माहौल है,